टेंथ से एलेवेंथ जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक काउंसलिंग सेशन है। जो सीनियर सेकेंडरी में साइंस रखते हैं वो या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कम्बिनेशन रखते हैं। उनका टारगेट होता है आइदर इंजीनियरिंग और मेडिकल। इन दोनों ही कम्बिनेशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। जनरली बायो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स फिजिक्स पर कम ध्यान देते हैं। उनका टारगेट होता है सिर्फ क्वालिफाई कर लेना और केमिस्ट्री बायोलॉजी के बदौलत कोई एंट्रेंस क्लियर कर लेना। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिजिक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है पूरे साइंस को समझने में। दूसरी तरफ जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो एज ए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ते हैं, और आजकल जो जनरल ट्रेंड है लर्निंग बाय रोट मेमोराइजिंग, इसके चलते वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को ठीक से नहीं समझ पाते हैं और IIT एडवांस या NEET जैसे एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से वो प्रिपेयर्ड नहीं हो पाते हैं। तो आज के इस सेशन में मैं फिजिक्स को कैसे पढ़ें इस पर कुछ सजेशन देना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को जो 10th से 11th में मूव कर रहे हैं और सीनियर सेकेंडरी में साइंस रख रहे हैं। फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है फिजिक्स को पढ़ना, बशर्ते कि आप इसे सिर्फ प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से न पढ़ें। अगर आप डीपली इंटरेस्ट के साथ फिजिक्स पढ़ते हैं तो किसी भी 10+2 के बाद आने वाले एग्जामिनेशन में फिजिक्स आपके लिए एक ड्रेडेड सब्जेक्ट ना होकर के काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा और अच्छे स्कोरिंग में काफ़ी मदद करने वाला है। फिजिक्स को अगर समझना है अच्छी तरह से और इंजॉय करना है फिजिक्स के स्टडी को, तो या तो बायो ग्रुप के स्टूडेंट्स हों या मैथमेटिक्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हों, फिजिक्स स्टार्ट करने के पहले कुछ मैथमेटिकल टूल्स जिनका कि मैं लिस्ट यहाँ दे रहा हूँ उसको आप पूरी तरह से ग्रेस्प करें, उसमें एक्सरसाइज करें और उसको एक हैंडी टूल की तरह आगे आप इस्तेमाल करिए। इन सभी मैथमेटिकल टूल्स के लिए अगर आप 2 महीना भी टाइम दें तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप ग्रेस्प कर सकते हैं। जब आप मैथमेटिकल टूल तैयार कर लेते हैं, उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो दूसरा स्टेप जो आपका होता है वो है कि थॉरली आप सिलेबस को देखिए। इसके लिए आप NCERT का 11th और 12th दोनों का किताब आप 11th क्लास में ही खरीदें। उनमें आप चैप्टर्स का अध्ययन करें या फिर CBSE के साइट पर जो सिलेबस उपलब्ध है उसे तो डाउनलोड कर ही लें। चैप्टर्स को देखें कि कितने चैप्टर्स हैं, उनको आप ग्रुप में बांट लें कि कितने चैप्टर्स मैकेनिक्स में आते हैं, कितने चैप्टर्स थर्मोडाइनमिक्स में हैं, कितने चैप्टर्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हैं। जनरली मैंने देखा है कि कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि बोर्ड का एग्जामिनेशन तो 12th के सिलेबस पर बेस्ड है, इसलिए हम 12th का ही सिर्फ पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे, 11th को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये आत्मवंचना है। 12th का एक भी कंसेप्ट आप अच्छी तरह से ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे अगर आपने 11th को नहीं पढ़ा है। जैसे मैकेनिक्स का हर कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है 12th में इलेक्ट्रोमैकेनिक्स के हर कंसेप्ट को ग्रेस्प करने के लिए। ये फाउंडेशन होता है जिसके ऊपर 12th का पूरा सिलेबस बेस्ड है। तो 11th क्लास के सिलेबस को जानने के बाद 1 by 1 उसके टॉपिक्स को आप पढ़ना शुरू करें। आप सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। कंसेप्ट को समझने के लिए आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए गाइडलाइन आप रखिए NCERT के किताब को, क्योंकि एग्जामिनेशंस वगैरह जो होंगे या 12th के बाद जो कंपटीशन भी होंगे वो उसी के दायरे में होंगे। लेकिन डीपली समझने के लिए सब्जेक्ट मैटर को आप एक हेल्प बुक रखिए, और वो हेल्प बुक मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ वो रेस्निक हेलिडे जर्डवाकर का, या फिर दूसरा चॉइस आपके पास है रेमंड सर्वे की जो किताब है। अगर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से ग्रेस्प कर लेते हैं तो साथ ही साथ आप उस पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी बनाते चलिए। हर किताब में इन चैप्टर एक्सरसाइजेस दिए रहते हैं, जैसे NCERT में भी है या जो भी आप हेल्प बुक रखेंगे उसमें इन चैप्टर एक्सरसाइजेज होते हैं। आप इन चैप्टर एक्सरसाइजेज को कभी मत छोड़ें।
एक कंसेप्ट आप पढ़ते हैं और उस कंसेप्ट का क्या एप्लीकेशन है, क्योंकि साइंस एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज होता है। हम थ्योरी पढ़ते हैं और उसको फिर आम जीवन में अप्लाई करते हैं। और जब भी आप कोई हायर नेशनल लेवल कम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ यही टेस्ट किया जाता है कि कंसेप्ट है कि नहीं आपके पास, और उस कंसेप्ट को आप अप्लाई करना जानते हैं कि नहीं, आपने अप्लाई करना सीखा है या नहीं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कंसेप्ट सीखते चलें और उसके एप्लीकेशन को सीखते चलें। तो इन चैप्टर एक्सरसाइज, चैप्टर इंड एक्सरसाइज, ये सब आप करते चलें। इसके लिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, और एनसीईआरटी ही निकालती है एक किताब जिसको हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स कहते हैं, वो हर सब्जेक्ट के लिए होता है, ये आप अवश्य खरीदें। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर्स एक्सरसाइज करने के बाद एचसी वर्मा के बुक से भी कॉरस्पॉन्डिंग चैप्टर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए। फाइनल स्टेप होता है कि जब आप एक किताब को तैयार कर लें तो जो टारगेट आपका है स्टडी का, जैसे जेई मेंस है या जेई एडवांस है, उसका आप क्वेश्चन बैंक 20 साल का कम से कम रखिए और उस क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हुए आपको अपने प्रिपरेशन का लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि आपने जो भी कंसेप्ट सीखा और जो भी एप्लीकेशन सीखा, वो कंसेप्ट और एप्लीकेशन का जो लर्निंग है वो यहाँ जो फाइनल एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो जो फाइनल स्टेप हुआ वो है क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना। तो इस ढंग से अगर आप प्रिपेयर करते हैं फिजिक्स को तो ये एक इंजॉयबल टास्क होगा आपके लिए, और आप ट्वेल्थ के बाद के जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। फिजिक्स आपके लिए कोई ड्रेडेड सब्जेक्ट नहीं रहेगा। दसवीं के बाद फिजिक्स की सुव्यवस्थित शिक्षण के लिए बिहार का एकमात्र संस्थान है फिजिक्स फाउंडेशन, जो फेसेस पटना द्वारा संचालित है। यह एक गुरुकुल शिक्षण व्यवस्था है जहां जेईई मेंस और एडवांस, नीट एवं बोर्ड परीक्षा को टारगेट कर विद्यार्थियों के छोटे से समूह का पठन पाठन होता है। प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत क्षमता और प्रतिभा का विकास एवं किसी भी तरह का कोई डाउट हो उनका पूरी तरह निवारण इस संस्थान की विशेषता है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च करें फिजिक्स पटना। गूगल के सर्च रिजल्ट पर यदि दाहिने तरफ फिजिक्स का इंफॉर्मेशन दिखता है तो उसके नीचे वेबसाइट लिंक को क्लिक करें या सर्च रिजल्ट में फाउंडेशन फॉर आर्ट कल्चर एथिक्स एंड साइंस के एंट्री को क्लिक करें। फिजिक्स का साइट खुलने के बाद फिजिक्स फाउंडेशन के टैब को क्लिक करें।